हेलो गाइस, तो आज एक बहुत ही बड़ा जॉब अपडेट आ रहा है NIT जालंधर के ओर से, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के ओर से एक बहुत ही बड़ा जॉब अपडेट आ रहा है। हालांकि ऐसा जॉब अपडेट बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो आप अगर BE, BTEC, डिप्लोमा, BSc, MSc एंड ITR करके रखे हो तो अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर एलिजिबल है। परमानेंट जॉब है, सैलरी मैक्सिमम आप लोगों को मिलेगा 1,12,400 रुपीज। OMG, ओके, नॉन टीचिंग पोस्ट में पोस्ट के लिए आया हुआ है, NIT में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला है, ओके। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है, ओके, एंड लगभग सारे ब्रांच एलिजिबल है, ओके। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ब्रांच बोल देता हूँ, सारे वीडियोज़ में यही करता हूँ, तो ओके। तो इसके ऊपर सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, BE, BTEC के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिप्लोमा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके, ITI के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, ओके। फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने सीट अवेलेबल है, सारा कुछ, ओके। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं हूं उत्तम, आप देख लो इज इंडिविजुअल पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट कर ले। तो सबसे पहले आप लोगों को नंबर ऑफ पोस्ट एंड कौन से ब्रांच एलिजिबल है बता देता हूं, ओके। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निकल असिस्टेंट में अगर बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री अगर BSc करते हो, MSc करते हो एंड फिजिक्स BSc MSc करते हो तो आप लोगों को मिलेगा, ओके। उसके बाद SAC असिस्टेंट जूनियर इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सीनियर टेक्नीशियन के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड लास्ट में टेक्नीशियन बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, सॉरी BSc एंड MSc, ओके। एंड नीचे जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर स्टेनोग्राफर, ऑफिस अटेंडेंट, ओके। तो ये जो 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट में निकाला है एंड इसका सारे सीट अवेलेबल, कितने सीट अवेलेबल है मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को एंड कितने आप लोगों को मिलेगा, यानी सैलरी कितना मिलेगा, ओके। तो फर्स्ट आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है UR यानी जनरल के लिए 1, ST के लिए 1, ESW के लिए 1, टोटल 3। तो ऐसे ही आप सारे ब्रांच का देख लेना, ओके। तो आप लोगों को मिलेगा लेवल 6 का पे मिलेगा, ओके, 35,400 टू 1,12,400 मिलेगा, ओके, अगर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट में अगर अप्लाई करते हो तो। उसके बाद SAC असिस्टेंट, यानी इसमें आप लोगों को मिलेगा 35,400 टू 1,12,400 रुपीज़ मिलेगा, ओके। अगर जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट में अगर अप्लाई करते हो, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, आप लोग सीट देख ले लो, देख लो, टोटल सीट 2, इलेक्ट्रिकल लिए 1, तो लेवल 6 का आप लोग मिलेगा सेम वैसे ही आप लोगों को मिलेगा 35,400 टू 1,12,400, ओके। सीनियर टेक्नीशियन में थोड़ा कम है, उसमें आप लोग देख सकते हो सीट अवेलेबल कितना है, टोटल सीट है इतना, ओके। लेवल 4 आप लोगों को मिलेगा 25,400 टू 81,100, ओके। उसका टेक्नीशियन में बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख लो सीट अवेलेबल कितना है, आपको सेम वैसे ही मिलेगा 21,700 टू 69,100, ओके। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, ओके, आप लोग सब देख लेना कितने कितने सीट आपको मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो ओके, एक एक करके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे, सारे ब्रांच का देखेंगे, डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे, आप अगर इस डिपार्टमेंट में आते हो तो उस डिपार्टमेंट का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होगा, ठीक है। तो सारा कुछ डिस्कस करने का थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो को आगे तक देखना, लास्ट तक देखना, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 1/11/2020, यानी 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, 30 नवंबर तक चलेगा, ओके, 30 नवंबर तक चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ओके। एंड एज अगर बोलते, एज अगर आपके डिफरेंट पोस्ट के डिफरेंट एज है, 27 लास्ट, यानी मैंने देखा 27, 30 एंड 33, ओके, एज ऐसा है, मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, नीचे आते, ओके। तो सारा कुछ आप लोग पढ़ लेना ये सब, ओके। एप्लीकेशन फ़ी बता देता हूँ, एप्लीकेशन फ़ी अगर आप जनरल कैटेगरी से होते हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर आप SC ST PWD हो तो PH यानी वुमेंस एंड गर्ल्स होते हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा, ओके, एंड नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद जनरल कंडीशन आप लोग देख सकते हो, ये जो ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल वेबसाइट है NITJAC.in, इसमें आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, ओके। तो इसका जो प्रोसीड्योर होगा वो बताया नहीं गया है,
का कैसे होगा, बट इसमें बोला गया रिटन शॉर्ट हैंड, उसके बाद टाइपिंग फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। एंड एप्लीकेशन में बता दिया नो प्रॉब्लम, अब आते हैं, बट अभी इसे फिक्स नहीं है कैसे होगा, ओके जस्ट बताया रिटन शॉर्ट हैंड बट टाइपिंग फिजिकल टेस्ट होगा मे बी हो बट इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एकदम नीचे आते हैं, अब आते हैं डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन से डिपार्टमेंट में आप हो अभी पढ़ रहे हो उसके मुताबिक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, ओके। बी बी टेक एम एस सी डिप्लोमा एंड बी एस सी एंड आई टी आई के थ्रू आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। एंड आगे इस जो नोटिफिकेशन में आया है, ये नोटिफिकेशन में 2019 का नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, उसमें बोला गया है कि एज लिमिट क्या क्या है, तो जाकर एज लिमिट देख लेना, ओके मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप अगर फर्स्ट ईयर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीए बीटेक करते हो इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो आपको आप एलिजिबल हो। उसके बाद अगर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियर, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी अगर बी एस सी साइंस करते हो, ठीक है, तो आप बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, लाइफ साइंस में, जूलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, ओके। एंड लास्ट है मास्टर डिग्री साइंस होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस एंड जूलॉजी में, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन में सेम, अगर सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 करते हो साइंस और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड की तरफ से विद 60% मार्क्स, और अगर आप 10+2 विथ ITI इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन्स, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल लेबोरेटरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करते हो तो आप एलिजिबल हो। अगर आप 10th विथ 60% मार्क्स एंड ITI 2 years का सर्टिफिकेट रखते हो इन रिलेवेंट ब्रांचेस तो आप लोग कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 years का करते हो इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो आप टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं एकदम नीचे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आप देखो अगर सिविल इंजीनियर होते हो तो ये आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट में आपको फर्स्ट क्लास बी बी टेक होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग। सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपको 10+2 होना चाहिए 60% विद साइंस, ओके। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद ITI 50% मार्क्स ट्रेड होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद 10th विथ 60% मार्क्स 2 years ड्यूरेशन ट्रेड इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 years ड्यूरेशन होना होगा सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन में आप आते हो, टेक्नीशियन में 10+2 साइंस लगेगा एंड उसके बाद 10+2 विथ ITI इन सिविल इंजीनियरिंग एंड 10 विथ ITI 60% मार्क्स विथ 2 years ITI सिविल इंजीनियरिंग में करते हो एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में करते हो सिविल इंजीनियरिंग, तो आप टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोग देख लेना बी बी टेक में केमिकल इंजीनियर होना चाहिए फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा में होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री अगर होते हो केमिस्ट्री में, साइंस बैचलर डिग्री साइंस बी एस सी केमिस्ट्री करते हो तो आप लोग मिलेगा, ठीक है। सेम वैसे टेक्नीशियन में भी सेम वैसे ही आप लोग देख लेना, ओके, पूरा PDF डाउनलोड करके। उसके बाद आते कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल असिस्टेंट में कंप्यूटर साइंस बी बी टेक में करते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में करते हो, फर्स्ट क्लास इन बी बी टेक, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हो तो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद बी एस सी अगर कंप्यूटर साइंस करते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करते हो तो आप लोग कर सकते हो एंड एम एस सी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ओके। उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन, इसमें भी 10+2 विद 60% मार्क्स फ्रॉम साइंस से करना होगा एंड उसके बाद 10+2 विथ ITI 50% मार्क्स रखना होगा कंप्यूटर साइंस सब सब्जेक्ट जो कंप्यूटर रिलेटेड सारे ब्रांचेस दिया हुआ है। उसके बाद 10th विथ ITI सर्टिफिकेट, ओके, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर रिलेटेड से करते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 years ड्यूरेशन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करते हो तो आप लोग कर सकते हो, ओके। इसके बाद टेक्नीशियन में आपको 10+2 विद साइंस 60% मार्क्स रखना होगा। उसके बाद 10+2 विद ITI 50% मार्क्स रखना होगा। उसके बाद 10 60% मार्क्स ITI 2 years कोर्स रखना होगा। उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 years ड्यूरेशन होल्ड फ्रॉम कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन में करना होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ओके। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेम वैसे ही है, वैसे ही क्राइटेरिया मैं आप लोग जस्ट दिखाऊंगा, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। ये है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी, ये है सीनियर टेक्निशियन के लिए, ये टेक्नीशियन के लिए, ओके।
एंड उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका टेक्निकल असिस्टेंट में बी बी टेक मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। फर्स्ट क्लास डिग्री, फर्स्ट क्लास इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होना चाहिए। एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। टेक्नीशियन में सेम वैसे सब सारा जो भी पोस्ट है सब पोस्ट में सभी सेम है। टेक्नीशियन में 10+2 लगेगा, 10+2 प्लस ITI 50% मार्क्स एंड इस रिलेवेंट ब्रांचेस में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 60% मार्क्स इन 10th सेकेंडरी में, 2 इयर्स ITI सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ब्रांचेस में, ओके। डिप्लोमा इंजीनियर 3 इयर्स ड्यूरेशन मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में इन रिलेवेंट ब्रांच में, ओके। तो टेक्नीशियन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो सारे डिपार्टमेंट्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेम वैसे ही आप लोग देख सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट में ये BBTech डिप्लोमा होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन में 10+2 विद साइंस 60%, 10+2 विद ITI, 10+ITI 2 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ओके। टेक्नीशियन में सेम वैसे ही आप लोग देख लेना, ओके। एंड नीचे अगर आते हैं एकदम डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, सेम वैसे टेक्नीशियन असिस्टेंट सीनियर टेक्नीशियन में आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो उस ब्रांच का जाके आप लोग देख सकते हो। सारे ब्रांच का मैंने बताया, सारे ब्रांच का इसमें है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आप लोग फर्स्ट क्लास BBTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जो अभी आप जब डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर चुके हो, पास आउट हुए हो, अगर आप अपीयरेंस रेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका रिजल्ट निकल जाना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन एंड होगा 30 नवंबर तक, तो अगर आपका 30 नवंबर तक रिजल्ट निकल जाता है तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर देना, ठीक है। इसमें सारे जो भी ब्रांचेस मैंने बताया, सारे ब्रांचेस डिपार्टमेंट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नो प्रॉब्लम। तो इसमें आप जब अप्लाई करोगे, अप्लाई ऑनलाइन होगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, नो प्रॉब्लम। अप्लाई करने के बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा या फिजिकल टेस्ट होगा या टाइपिंग टेस्ट होगा वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है। अप्लाई करेगा तो आपको शॉर्टलिस्टेड करेगा, एडमिट कार्ड भेजेगा, उसके बाद ही होगा, ठीक है। एंड पोस्टिंग उसमें भी जलंधर में पोस्टिंग होगा। SC ST फिजिकल हैंडी का वोमेंस अगर होते हो तो कोई एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ेगा, एकदम फ्री है एप्लीकेशन। अगर आप जनरल होते हो एंड OBC होते हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा, ओके। तो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, जाके प्लीज़ अप्लाई कर देना, ओके। एंड अगर आप अप्लाई किए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करना जो मैंने अप्लाई किया है, ओके। तो ऐसे ही अगर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। आगे बहुत सारा नोटिफिकेशन आने वाला है जॉब के ऊपर। तो चलो मेरे तरीके से बाय, टेक केयर।